नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, जहां पर कैश काउंटर को फोकस किया जाता है, यानी कि दिखे कि पैसा कितना निकाला गया, कितना पैसा रखा गया, इसके साथ साथ कस्टमर को सर्व किया जाता है और भी कई चीज़ें हैं। यानी कि मैं बताने जा रहा हूं रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर किस तरह के आप एनालॉग SD कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियो बनाए हैं, बट वो पुराने मॉडल थे। अब लेटेस्ट मॉडल आ गए हैं, लेटेस्ट नीड नई तरह के लोगों में जनरेट हुई है, तो उससे रिलेटेड कई कैमरे भी आए हैं। तो आज मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर आप रेस्टोरेंट में हैं, इस तरह की जगह पर हैं, तो फिर वहां पर आपको कुछ जगह हैं, कुछ चार जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कैमरे को डिजाइन करना है, उसके लिए कैमरे को सिलेक्ट करना है कि कौन सा कैमरा उस जगह पर लगनी चाहिए। जैसे आपका किचन का एरिया हो गया, इसके अलावा आपका डाइनिंग एरिया हो गया, जहां पर आप खाना सर्व करते हैं, कस्टमर आते हैं, बैठते हैं, उस तरह की जगह। इसके बाद आपका एंट्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ कौन आया, कौन गया, भगवान ना करे ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो, तो वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह बन जाता है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी बिजनेस का, जो कि डायरेक्ट रिटेल बिजनेस से रिलेटेड है, वहाँ पर कैश काउंटर पर किस तरह की कैमरे को हमें लगानी चाहिए ताकि हमें पैसा दिखे, और भी अलग अलग तरह की जो समस्याएं कैश काउंटर से रिलेटेड आती हैं वो क्लियर हो सके। तो इससे रिलेटेड जो कैमरे हैं वो मैं आपको मॉडल नंबर के साथ में बता रहा हूं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस एरिया के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह के कैमरे को लगाना चाहिए। यहाँ पर आपको एंट्रेंस पैरामीटर प्रोटेक्शन पर फोकस आपको ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि फोकस ऑन एक्यूरेट टारगेट्स, जैसे PIR कैमरा करता है, एक्यूसेंस कैमरा करता है, यह ह्यूमन को डिटेक्ट करता है, व्हीकल को डिटेक्ट नहीं करता, या फिर व्हीकल को डिटेक्ट करना है, तो इस तरह के जो एडवांस फीचर्स लेस कैमरे हैं वह कैमरे यहाँ के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा आपका सिक्योरिटी कैमरा वेलकम मैसेज भेज सके, अगर आपको कुछ बुरा लगे तो आप उनको डांट सकें, या फिर आप उनको कह सकें कि पार्किंग प्रोहिबिटेड है इस एरिया में। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि टू वे टॉक भी हो आपके उस कैमरे में, तो टू वे टॉक भी हो, मेटल बॉडी भी हो, सायरन भी हो, PIR फीचर्स भी हो, ये सारे फीचर्स आपको हिकविजन के एक मॉडल नंबर है वो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आती है। इसके अलावा एक और चीज़ ज़रूरत होती है आपके आउटडोर में, अगर अनवांटेड या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसका मोशन अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट आपके मोबाइल में जाता है। आप चाहें तो वहीं पर आप अगले को कुछ बोल सकते हैं, या डांट सकते हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा सायरन है, सायरन बजता है, सायरन बजने के साथ साथ स्ट्रोब लाइट, जो आपको ब्लू और रेड स्ट्रोब लाइट जलती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अगल बगल के लोगों को अवेयर करने में कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, इससे आपकी सुरक्षा बढ़ जाती है। तो ये भी एक नीड है, और इस सारी सुविधाओं से लैस एक कैमरा है जिसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। सारी सुविधाओं से लैस एक कैमरा है DS-2CE12DF3T-PIR XOS। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह कैमरा लॉन्च हो रहा है, टू वे टॉक भी है, सारे फीचर्स वगैरह हैं, कस्टमाइज वॉइस अलर्ट भी है। तो जब कस्टमाइज वॉइस भी जा रहा है तो फिर आपके लिए यह कैमरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह कैमरा आपके एंट्रेंस में हो या फिर आउटडोर में हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डाइनिंग एरिया और किचन एरिया। इन दोनों जगहों के लिए मैंने एक ही कैमरे को सिलेक्ट किया है। जी हाँ, वो आपको PIR XOS वाला भी आपका मेटल बॉडी था, ये कैमरा भी मेटल बॉडी होगा क्योंकि यहाँ पर किचन भी इंक्लूडेड है और डाइनिंग एरिया भी है, तो अलग अलग प्रकार के खाना वहाँ पर आता है, तो उससे आपका जो वेदर प्रूफ रेटिंग है और मेटल बॉडी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी कहीं ना कहीं वीक पड़ता है। क्योंकि आपका मेटल बॉडी, इसके अलावा WDR फीचर्स, ऑडियो इनबिल्ट होना बहुत ज़रूरी है। मान लेते किचन में कुछ हो रहा है तो आपको कोई ऑर्डर आया तो रिसेप्शन से वहाँ पर आवाज़ देकर उस ऑर्डर को भी बताया जा सकता है, या फिर किसी को बुलावा है, किसी को बुलाना है, तो फ़ोन करने का लाभ बजाय आप अपने मोबाइल से ही आप अगले को बुला सकते हैं। तो आपका ऑडियो हो गया, कलर व्यू हो गया, WDR फीचर्स, ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है, और मेटल बॉडी भी। ये सभी सुविधाओं से लैस एक मॉडल नंबर मैं आपको बता रहा हूं, DS-2CE7T70DF3T-MFS। ये सारी सुविधाएं हैं इसमें, इस कैमरे को आप परचेज कर सकते हैं डाइनिंग एरिया के लिए और किचन के एरिया के लिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कैश काउंटर। अब जो ये कैश काउंटर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको काउंटर को फोकस करना है। काउंटर मान लेते हैं कि कोई पैसा डाला, कोई पैसा निकाला, तो काउंटर को आप अलर्ट, आप वहाँ पर एक
जो आपका इंट्रूजन डिटेक्शन वाला फीचर आता है उसको आप वहाँ पर ऑन कर सकते हैं, फेस डिटेक्शन यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। ये आपका जो DVR है वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा DVR लेना है, इसमें एक आप फेस डिटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फेस डिटेक्शन, ऑडियो इनबिल्ट, इसके अलावा टू वे ऑडियो, इन सारी सुविधाएँ आपको मिलती है DS-2CE72DF3T-PIR-XOS, यानी कि इंट्रेंस वाले में बुलेट था, यहाँ पर डोम है, तो ये कैमरे यहाँ पर आ जाएंगे तो फेस डिटेक्शन ऑन हो जाएगा। तो वहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं सबका फेस कैप्चर भी होगा। और एक सुविधा आपको यह भी मिलेगा जो DVR में आपको बता रहा हूँ उसमें आपको एक सुविधा यह मिलेगा कि मान लेते हैं कि आपको लगा कि भाई साहब ये आदमी मेरा पैसा चुरा के गया है, तो आप उसका जो पिक्चर जो फेस डिटेक्शन में उसका जो पिक्चर आया है उसे सिलेक्ट करके आप अपने DVR पर रख दीजिए। दोबारा वो बंदा आपके रेस्टोरेंट में आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको अलर्ट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यह बंदा उस दिन आया था और उस दिन बिना पैसे दिए गया था। तो ये सारी सुविधा आपको मिलेगी। मैं आपको DVR का मॉडल नंबर बता देता हूँ। DVR का मॉडल नंबर IDS72088 channel 7216। अब 16 चैनल में भी यह लॉन्च हो गया, पहले नहीं था। HUHI M1 या फिर M2/FA, तो HUHI में है यह मॉडल और आपका इसमें 16 चैनल भी आ गया है। और HQHI में पहले 32 चैनल नहीं था, 32 चैनल भी लॉन्च हो गया। तो यहां पर आपको फेस डिटेक्शन के साथ साथ फेस कंपैरिजन का भी फीचर आता है। तो ये आपके लिए बेस्ट आपका DVR है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो मॉडल नंबर मैंने बताया है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर लगनी चाहिए वो भी मैंने बताया। अगर कंडीशन अलग है तो आप उस जगह पर, अगर आपका यह कैमरा फिट बैठता है तो आप उसे वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे परचेस करना है तो मेरे इंस्टाग्राम YFM Security में आके आप मैसेज कीजिए, प्राइस चाहिए वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं प्राइस दे दूँगा। मुझसे परचेस करना है तो मुझसे डायरेक्ट परचेस भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।